हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि समर में आपको स्वेट प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप कैसे करना चाहिए। तो ये मेकअप लुक मैंने बहुत ही न्यूट्रल रखा है और ये मेकअप आप ऑफिस के लिए भी वेयर कर सकते हैं। और इसमें जो दो तीन प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि समर में ये प्रोडक्ट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रोज़ वाटर यूज़ करूँगी, जो कि है VLCC का। और ये इसलिए यूज़ करना है क्योंकि ये एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ ये स्किन को हाइड्रेट रखता है और रिफ्रेश करता है। तो समर में रोज़ वाटर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट समर में सनस्क्रीन होती है, सो आपको अच्छे SPF की सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सनस्क्रीन लगाई हुई है न्यूट्रोजिना की। सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, और प्रीफर सिलिकॉन बेस प्राइमर। प्राइमर से आपका मेकअप स्वेट प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और ये आपके पोर्स को भी ब्लर करेगा। और समर में आपको प्राइमर में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से फाउंडेशन लगाऊंगी। और यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि फाउंडेशन आपको लेना है मैट फिनिश का, और उसमें अगर SPF होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर SPF नहीं है तो जो भी मैट फिनिश वाले फाउंडेशन है वो आप यूज़ करें। यहाँ पे मैंने मेबेलिन फिटमी का फाउंडेशन लिया है जो कि मैट फिनिश वाला है। इसके बदले आप पॉन्ड्स बेबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी SPF होता है। तो प्रीफर करें कि जिसमें SPF हो और जो मैट फिनिश दे, ऐसा ही फाउंडेशन या बेबी क्रीम यूज़ करें। तो यहाँ पे मेरा फाउंडेशन लगा के हो गया है, अब मैं लगाऊंगी कंसीलर। सो यहाँ पे मैंने क्रीम कंसीलर यूज़ किया है मिस क्लेयर का। कंसीलर आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद हम उसको पाउडर से सेट करने वाले हैं। सो कंसीलर मैंने लगा लिया है और इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो यहाँ पे मेरा कंसीलर भी ब्लेंड हो चुका है। अब मैं यूज़ करूँगी लैक्मे वाइटनिंग रोज़ पाउडर। तो सबसे पहले तो ये मैं अंडर आइज़ पे लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसको मेरे पूरे फेस पे और गले पे लगाऊंगी। और तब तक ये अंडर आइज़ पे थोड़ा सा बेक होती रहेगी, बट बिलीव मी ये बहुत ही अच्छी पाउडर है और इसमें सनस्क्रीन भी है। तो आप भी प्रेफर करें कि कॉम्पैक्ट या पाउडर जो भी हो वो विथ SPF हो, तो वो भी बहुत बेटर होता है। और पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, पाउडर से आपका मेकअप स्वेट प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग बनता है। सो नेक्स्ट इज़ आई शेडो, और ये ब्राउन कलर का आई शेडो मैंने पूरे आईलिड पे लगाया है। और ये आई शेडो पैलेट है फॉर्चून्स फेवर्स द ब्रेव फ्रॉम मेकअप रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस ब्राउन कलर का आई शेडो मैंने पूरे आईलिड पे और क्रीज पे लगाया है। बट आपको इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है, और ब्लेंडिंग के लिए मैंने वाइट शी के मेकअप ब्रशेस यूज़ किए हैं। इससे बहुत ही अच्छा आई शेडो ब्लेंड होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत देर तक इसको ब्लेंड किया, लेकिन ब्लेंडिंग के बाद ये बहुत ही अच्छा दिखता है। उसके बाद इसी पैलेट में से एक ड्रामा क्वीन करके शेड है, तो उसको मैंने जहाँ पे हम आईलाइनर लगाते हैं वहाँ पे लगाया है ताकि वो जगह थोड़ी सी इंटेंस दिखे, और थोड़ा सा आउटर वी में भी लगाया है इसको। और उसके बाद उसी कलर को मैंने मेरे लोअर लैशेस पे भी लगाया है ताकि एक अच्छा सा शेप दिखे आईज़ को। उसके बाद उसी पैलेट में से एक ब्राउन कलर का शेड था, उससे मैंने मेरे आईब्रोज फिलअप किए हैं। तो यहाँ पर एंगुलर ब्रश की मदद से बहुत ही अच्छे से आईब्रोज फिल हो जाते हैं। सो अब मैं लगाऊंगी काजल, ये है नायका आई एम बोल्ड काजल, ये बहुत ही अच्छा काजल है। तो नॉर्मल मैं इसको लोअर वाटर लाइन पे और अपर वाटर लाइन पे लगाऊंगी, पर ये बहुत ही अच्छे से लग जाता है। इस काजल को लगाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, ये बहुत ही फटाक से लग जाता है। तो अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, और ये है लैक्मे 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक, और इसका शेड है MB14 मैपल मैप। समर में एक्चुअली मैट लिपस्टिक अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि क्रीम लिपस्टिक का थोड़ा मेल्ट होने का डर रहता है, एंड दिस इज़ वेरी प्रिटी लिपस्टिक। तो अब मैं यूज़ करी हूँ वी शेप कॉन्टोर किट फ्रॉम मेबेलिन। तो एज़ यूजुअल मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग करूँगी और ब्लश लगाऊंगी। तो इसके शेड्स मुझे बहुत पसंद है, और ये जो पैलेट है ये मीडियम टू फेयर स्किन वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पैलेट है, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करिए। सो ब्लश और कॉन्टोर करने के बाद फेस बहुत ही स्कल्प्टेड दिखता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही न्यूट्रल ऐसा मेकअप मैंने किया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अप्लाइंग सेटिंग स्प्रे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का मैट फिनिश लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे फॉर फिक्सिंग मेकअप। तो इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए समर के लिए, क्योंकि सेटिंग स्प्रे से हमारा मेकअप लॉन्ग लास्ट रहता है, स्वेट प्रूफ रहता है, और दिन भर भी ये बहुत ही अच्छे से टिका रहता है फेस पे। ये वाला स्प्रे कुछ 545 रुपीज़ का है, बट ट्रस्ट में अगर आप एक बार इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। सो मेरा मेकअप हो गया है, बट मैं हमेशा की तरह मस्कारा लगाना भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने मेबेलिन का क्लोजर वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा लगा लिया है, और उसके बाद की एक क्लिप्स है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।